क्या नाम है आपका? हाँ, राजकुमार। कहां से आए हो आप? फिरोजपुर से ही। हाँ, मैंने आपकी टेस्टामनी को सुना था कि आप 7 साल से 7 साल से टाइफाइड बुखार रहने के कारण पूरी बॉडी में वीकनेस हो गई। इसके लिए आपने गुरदासपुर, पठानकोट, फिरोजपुर कुछ आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक मेडिसिन भी खाई और बहुत सारा ट्रीटमेंट करवाया कि मैं इस प्रॉब्लम से क्या हो जाऊं, सही हो जाऊं। जी जी हाँ, जी जी क्या हो जाऊं? सही हो जाऊं। हाँ, उसके बाद आपने ये लिखा कि इस प्रॉब्लम की वजह के कारण आपके पेट में दर्द रहती थी, जिसके कारण आप 50-50 गोली एक दिन में खाते थे। जी जी हाँ, जी 50-50 गोली जी जी एक दिन में खाते थे, जी जी और खाने से भी क्या नहीं होता था? ठीक नहीं होता था। ठीक नहीं होता था। देखो, एक दिन में 50-50 गोली ये खा जाता था। हाँ, क्योंकि टाइफाइड से ये इसकी बॉडी में इतनी वीकनेस हो गई, और जब दर्द होती थी, दर्द हद से बर्दाश्त से बाहर थी, और एक दिन में ये 50-50 गोली खाता था। क्या खाता था? और सुनो, आगे सुनो। और फिर ये लिखा कि किसी ने आपको, किसी ब्रदर ने बोला कि आप गांव के पेशाब को पियो और इस प्रॉब्लम से क्या हो जाओगे? ठीक हो जाऊंगा ठीक हो जाओ। और आपने गांव के, हाँ, जी। उसने ऐसा बोला था कि जैसे हिंदू धर्म में ये बोला जाता है ना कि जो गऊ है वो माता है, उसमें हाँ जो 36 करोड़ देव देवता हैं तो उसमें हाँ वास करते हैं। वास जब तुम करते हैं। पियोगे तुम्हारे ऊपर लगता जादू टूना है तभी ठीक नहीं हो रहे, जब तुम इसको पियोगे तो ये बंधन टूट जाएंगे। हाँ, सुनो, तो क्योंकि ये हिंदू धर्म से है, तो उसके हिसाब से अभी इसने बताया, तो लोग कहते हैं कि गांव में इतने सब क्या करते हैं, वास करते हैं। तो इसने कहा कि इसका आप पेशाब पियोगे तो क्या हो जाओगे? सही हो जाओगे। क्या हो जाओगे? सही हो जाओगे। और फिर आपने उस गांव के पेशाब को भी पिया, पर फिर भी आपकी प्रॉब्लम गई नहीं नहीं गई। हाँ, फिर उसके बाद आपने तो आगे लिखा कि उसके बाद आप बहुत से सियाने तांत्रिक बाबों के पास भी गए। हाँ, जी। तो उनके पास भी जाने के कारण आपका कोई हल नहीं हुआ। हाँ, जी फिर आपने जो आपकी धार्मिकता थी उसको भी बहुत सारा किया, फिर भी आपकी प्रॉब्लम गई नहीं। जी हाँ, पापा जी, एक और बात है, जैसे हम धार्मिकता में जिस हम राजपूत हैं चौहान, ठीक है ना, तो हमारे में ये होता है कि जो कणक के दाने होते हैं ना तो उससे धार्मिकता करते हैं, हाँ, कणक के दानों से धार्मिकता करते हैं। तो वो क्या करते हैं, जब दाने इकट्ठे होते हैं ना तो ऐसे फेंकते हैं, जब फेंकते हैं ना तो दाने इकट्ठे हो जाते हैं दोनों 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 दोनों, फिर ये बोलते हैं ये बात पक्की है, जब नहीं दो इकट्ठे हुए तो उसने बोला ये गलत बात है, तो ऐसे धार्मिकता करते हैं। देखो कैसे कैसे। हाँ, क्यों परमेश्वर ने कहा कि मेरी प्रजा मेरे ज्ञान बिना। हाँ, ये कने के दानों की धार्मिकता करते हैं और जब ऐसे फेंकते हैं, अगर वो दो दाने कनक के इकट्ठे हो गए तो कहते हैं इसका काम होगा, नहीं तो अगर नहीं हुए तो फिर नहीं होगा। हाँ, और जी ये जी दूसरा भी बात है पापा जी, तो उसमें ये होता है कि उसमें ये होता कि ये देवता वो देवता ये देवता, तो ऐसे होते हैं उनके हमारे बीच में कि ये इस देवते को मानता उस देवते को मानते इस देवते को मानते, तो ऐसे है कि जब मैंने जब किस कोई भी है हमारे धर्म का तो दूसरे देवते का प्रसाद खाएगा, जब कुछ चीज़ खाएगा तो वो देवता बोलेगा मैं से नाराज हूँ, तो उसको पानी भी नहीं देने देते, हाथ भी नहीं लगाने देते, चाहे वो मरता मर जाए कुछ भी हो जाए, और उसको देखो दंड भी देते हैं। देखो, हाँ, समझ आ रही है? समझ आई है?
अगर किसी ने इस देवते का प्रसाद खा लिया तो दूसरा देवता क्या हो जाएगा? नाराज हो जाएगा। अगर उसकी वजह से फिर उसके जीवन के ऊपर कोई हालात आ गया तो उसके जो फैमिली वाले हैं फिर क्या करते हैं उसे? जब वो ऐसे बोलते ना कि बाड़ा टूट गया, ये बाड़ा टूट गया इसलिए प्रसाद खा लिया, तो उसके ऊपर जो देवता है तो वो बोलते हैं कि उसके ऊपर अटैक हो जाता है, जहाँ उसको पैरालाइज या कोई भी प्रॉब्लम, बीमारी, एक्सीडेंट, कुछ भी। जब वो परिवार वाले जाते तो उसको बोलते इसको छूना मत, इसे टच मत करना, जब तुम जाओगे ये चीज तुम्हारे ऊपर आ जाएगी। देखो वो कहते हैं इसे छूना नहीं, अगर आप छूओगे तो ये चीज आपके ऊपर आ जाएगी। हाँ, और ये चीज, ये अपनी उस बीमारी के लिए ये सारी धार्मिकता भी इसने की, पर फिर भी छुटकारा। और दूसरी बात है पापा जी, तो उसमें जब मैंने वहां था तो मुझे बोला कि तुमने किसी का प्रसाद खाया, तो मेरे को क्या सजा मिली? मेरे को जैसे चप्पल होती है ना, चप्पलों का हार बनाकर मेरे गले में डाला गया और मेरे मुंह के ऊपर कालक पोत कर और हर एक देवते के घर में जाकर मुझे माथा टिकाया कि इसने गलती की, तभी भी मैं ठीक नहीं हुआ। देखो कैसा कैसा किया पर फिर भी इसे छुटकारा नहीं मिला। क्या नहीं मिला? छुटकारा नहीं मिला। फिर लास्ट में है ना, फिर नहीं, एक दिन फिर आपकी फैमिली आपसे परेशान हो चुकी थी, है ना जी? क्या हो चुकी थी? बहुत दुखी हो चुकी, दुखी हो चुकी थी, है ना? और किसी ब्रदर ने आपकी, है ना, ऐसे ही आपकी, जी पापा मैं बताता हूँ, हाँ, फैमिली परेशान होगी और आपको घर से निकाल दिया। जी फैमिली इतनी प्रॉब्लम में थी क्योंकि काफी पैसा लगा चुकी थी। हाँ, बहुत ज्यादा पैसा, क्योंकि मैं एक दिन में 50 गोली खाता था तो इतना खर्चा कहाँ से आता, और एक सिरिंज मेरे यहाँ होती थी। क्या सिरिंज होती ना, इंजेक्शन, सिरिंज, हाँ, सूखे टीके लगते हैं, तो वो सूखे टीके लगते थे, 24 घंटे यहाँ होती थी मेरे, तो वो टीका भी बहुत महंगा था, दवाइयाँ भी महंगी होती थी, तो ऊपर से मैं ठीक भी नहीं होता, तो घर वाले परेशान, और मेरे पेट में इतना दर्द होता था कि मेरी मार होती थी, जैसे मच्छी को पानी से निकाल कर बाहर फेंकते ना तड़फती, ऐसे मैं तड़फता था। और उसके बाद फिर आपके घर वालों ने क्या आपको निकाल दिया? जी जी, उसने बोला कि जहाँ जाना जाओ। फिर मैं ना किसी अंबाले शहर में गया वहाँ काम करने के लिए, मैंने बोला वहाँ कंपनी है, कोई धागा फैक्ट्री है, तो वहाँ रहूंगा, तो मैं वहीं खाऊंगा तो कमाऊंगा। तो और वहाँ पे फिर आपको किसी ने ये गुड न्यूज दी, शुभ समाचार दिया, यीशु के बारे बताया? जी पापा जी, इसके पीछे एक थोड़ी सी और बात है कि वो कंपनी में गया, वहाँ भी मुझे काम नहीं मिला, तो मैं बाहर चला गया, और उस कंपनी में मेरी सिस्टर थी पहले काम करती थी, तो उसको, उसकी कोई फ्रेंड थी, उसने बोला था, उसने बोला मेरे भाई की ये हालात है, तो उसने बोला एक बार चर्च जाकर देखो। हाँ, एक बार चर्च जाकर देखो। क्या देखो? एक बार चर्च जाकर देखो। और जब आप चर्च गए, हाँ जी जी, अभी देखना इस गवाही से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हाँ, और जब आप चर्च गए तो आपकी, आपको गुड न्यूज मिली, फिर आप चर्च गए, और चर्च जाने के बाद फिर क्या हुआ? आपके ऊपर दुष्ट आत्मा आ गई? जी, मैं पहले सोचता ये बीमारी है, क्योंकि मैं इतनी पूजा पाठ करता था, मेरे जितना तो कोई भक्त नहीं था, आज पूरे ऑल वर्ल्ड में बोलता मैं, चाहे कोई भी सुन रहा है। हाँ, मेरे पास आए, मेरा नाम राजकुमार है। हाँ, मैं फिरोजपुर शहर का रहने वाला हूँ। हाँ, और मैं जीरा गेट में रहता हूँ। किसी को भी लगता है कि ये झूठी गवाही है, मेरी कलाकर पूछे, मेरी गली, मेरा मोहल्ला, मेरी फैमिली, ये क्यों, पूरी कौम मेरी गवाही देगी आपको। सुनो, ये क्यों ऐसे बोल रहा है? क्योंकि इसे पूर्ण रीति से सत्य क्या है ये पता है, क्योंकि इसके अंदर यीशु मसीह का प्रेम बोल रहा है। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना, ये सब ये अफवाह है, ये झूठी गवाहियां देते हैं। हाँ, कुछ लोग बोलते हैं, इसलिए ये कहता है कि जिसे लगता है वो मेरे घर आए, मैं अपना एड्रेस देता हूं, मैं फिरोजपुर का रहने वाला। हाँ, समझ आ रही है जी? मैं उनको डॉक्टरों के पास भी लेकर जाऊंगा, जहां जहां मैं गया ना, तो वो डॉक्टर भी गवाह है मेरे। हाँ, देखो डॉक्टर भी क्या है, सब गवाह है, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि हाँ, तो उसके बाद उस ब्रदर ने जब आपको बताया तो आपके जीवन में शांति तो आई, हाँ, जीने की एक आस आ गई। हाँ, उससे पहले आप सुसाइड करने वाले थे, आत्महत्या करने वाले थे, हाँ जी जी, आत्महत्या करने वाले जी जी। क्यों आत्महत्या करने वाले थे?
जी इसलिए क्योंकि मेरी फैमिली ने मुझे छोड़ दिया था और जिनको मैं मानता था बचपन से, मेरे दादा परदादा मेरे फादर जी और मैं भी मानता था, इतनी ज्यादा धार्मिकता करता था। तो मैं रात को 8 बजे बैठता था 12-1 बजे तक, वो मैं अब यहाँ बोल नहीं सकता, बल्कि मैं उस धर्म का इतना पाठ करता था ना बहुत ज्यादा। और सोमवार को मंगलवार को सात दिन होते हैं ना, लोग जाते हैं कि शनिवार को उस जगह जाना, मंगलवार को उस जगह जाना, बुधवार को उस जगह, हर एक मंदिर में हर एक जगह पर मैं वीरवार को जाता था। कोई बात नहीं जी जी। हाँ? और उसके बाद जब अब चर्च गए, हाँ? तो चर्च में आपको अनॉइंटिंग ऑयल मिला, अनॉइंटिंग वाटर मिला, हाँ? जी। उसको आप क्या पीते रहे और उस तेल को लगाते रहे? जी ये तो ऐसी बात है कि अनॉइंटिंग ऑयल लिया मैंने, कि और भी लोग थे गवाही देते थे कि अनॉइंटिंग ऑयल लगाया, पर क्योंकि जितना मैं प्रभु में, क्योंकि मैं पहले कर चुका था, जिनको प्रॉब्लम होती है उनको पता है, मैंने बोला इतना मैं पीछे करके आया हूँ, अब प्रभु मैं मुझे कितना करना चाहिए, तो मैं बहुत ज्यादा इस चीज में बिलीव करता। सुनो, ये अनॉइंटिंग ऑयल और अनॉइंटिंग वाटर पर बहुत बिलीव करता था, उसको पीने से उसको लगाने से भी इसकी ये जो प्रॉब्लम है गई नहीं। क्या नहीं गई? फिर इसने सुना के ये तीन बड़ी मिनिस्ट्रियों में गए, क्या गए कि मैं उनसे ले हैंड करवाऊंगा और मैं क्या हो जाऊंगा, चंगा हो जाऊंगा। सुनो, ध्यान से सुनो, ये फिर तीन बड़ी मिनिस्ट्रियों में गए और उनसे भी इसने अपनी इस बीमारी के लिए ले हैंड करवाई। क्या करवाई? ले हैंड समझते हो ना, हाथ रखवाया कि मैं अपनी बीमारी से क्या हो जाऊं, चंगा हो जाऊं। पर उसको करने से भी इसकी समस्या पूरी तरह से गई नहीं गई, हाँ? क्या नहीं गई? और फिर इन्होंने बहुत सी प्रार्थना की और 150 से 200 फास्टिंग भी की, ताकि मेरी, क्योंकि जैसा ज्ञान मिला, जैसा सुनने को मिला, वैसा ही इसने किया, हाँ? बहुत सी प्रार्थना की, 150 से 200 फास्टिंग की, कितने साल में? 3.5 साल। 3.5 साल में ये इसने अपनी बीमारी से छुटकारा पाने के लिए ये सब कुछ किया। पर इतना कुछ करने से भी इसको पूर्ण चंगियाई नहीं मिली। क्या नहीं मिली? पूर्ण चंगियाई नहीं मिली। और एक दिन फिर क्या हुआ कि आपको, आपके सामने हमारी मिनिस्ट्री आ गई, हाँ? अब फोन से, ये फोन पर देख रहे थे, अचानक हमारी मिनिस्ट्री की वीडियो इनके सामने आई और जब इन्होंने उस वीडियो को देखा, क्या देखा आपने उस वीडियो में? जी बाबा जी, बात ये, मैं वीडियो इसलिए देखता था क्योंकि मैं, ऐसा कोई पास्टर नहीं है जो ऑल वर्ल्ड में, अपने इंडिया में लगा लो चाहे बाहर कंट्री में, मैं सभी को वॉच करता था और मैं चाहता था कि कहां से मुझे कुछ आजादी मिले। और मैं सरमन भी सुनता था और जैसा सुनता था वैसा मैं प्रैक्टिकल भी करता था, क्योंकि कोई कुछ बोलता था कोई कुछ बोलता था, मैं सभी चीजें की है। पर जब इस मिनिस्ट्री की मैं टीचिंग सुनी है तो मेरे जैसे ना एक दिमाग के, तो पंजाबी बोलते तोते उड़ जाते हैं, तो वैसे हुआ मेरे साथ। तो मैं शॉकेड हो गया कि ये कैसी है नेगेटिव प्रार्थना और पॉजिटिव प्रार्थना, नेगेटिव फेथ और पॉजिटिव फेथ। तो इस चीज के बारे में मैंने सीखा, फिर मैं इस मिनिस्ट्री को फॉलो किया, फिर इस मिनिस्ट्री से सिस्टर को मैं कॉल किया, नंबर जो स्क्रीन पे आते हैं, तो सिस्टर से मैं बताया मेरी ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, फिर सिस्टर ने आपको बताया, आपने मेरे लिए प्रेयर भी किया जी, तब से मैं फ्री हूँ, टोटल फ्री हूँ। कितने दिन से? अभी मेरे को ज्यादा भी नहीं हुआ है, थोड़ा 2 हफ्ते हो चले हैं अभी सिर्फ। पहले इन्होंने जब मिनिस्ट्री में कॉल की तो ये टीम के बच्चों ने इन्होंने गाइड किया, हाँ? और जैसे गाइड किया और इन्होंने सीखा और समझा, हाँ? तो काफी हद तक तो इनकी बीमारी से ये सही हो गए। फिर एक दिन इनसे मेरी बात हुई और मैंने जब इन्हें टीच किया, सिखाया, क्योंकि बंदा सीखने वाला समझने वाला चाहिए, और जैसे ही इन्होंने मैंने सिखाया, हाँ? कि आपके लिए कुछ नहीं है, हाँ? क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ क्या है, पूरा कर चुका है। और जैसे इन्होंने उन बातों को अपने जीवन में रिसीव किया, ग्रहण किया,
और विश्वास किया, हाँ, और उस दिन से क्या हो गई, फ्री हो गई, हाँ, क्या हो गई? नहीं तो 3.5 साल में ये प्रभु में भी आ गया था, 3.5 साल में ये प्रभु में आ गया, ये इतनी प्रार्थनाएं बड़ी मिनिस्ट्रियों से इसने ले हैंड भी करवा ली, पर फिर भी इवल स्पिरिट के जो अटैक थे दुष्ट आत्मा के, वो इसके जीवन से जा नहीं रहे थे। हाँ, इसे सपने में व्यभिचार के ख्याल आते थे। हाँ, व्यभिचार समझते हो ना, गलत। हाँ, कैसे आते थे? व्यभिचार के ख्याल इसके मन में आते थे, और ये प्रभु में आ भी गया था तब भी पाप इसकी जिंदगी में क्या कर रहा था, काम कर रहा था। क्या कर रहा था? काम कर रहा। हाँ, क्योंकि ये क्यों कर रहा था? क्योंकि ये अपने पापों के लिए, अपने शरापों को होली गोस्ट फायर के साथ अपने बंधनों को तोड़ रहा। पापा जी, किसके पीछे की बात है कि जैसे ना मैं फायर प्रेयर करता था घर में, क्योंकि वो बोलते हैं जोर से बोलो, अंदर से पूरे अंदर से बोलना है, तो ऐसे बोलता था तो जो गली के लोग इकट्ठे हो जाते थे कि फायर फायर मतलब आग लग गई है कहीं, तो ऐसे लोग भाग कर आते थे। तो काफी बार मेरे साथ ये हुआ है, लोग मजाक उड़ाने लगे गली में कि फायर 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 क्या होती है, तो ये चीजें होती थी मेरे साथ। फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा ज्यादा, क्योंकि जो टीचिंग मैंने सीखी है शैतान के बारे में मुझे ज्यादा सिखाया गया, शैतान ये करेगा, शैतान वो करेगा, शैतान ये कर देगा, शैतान ये कर देगा, बल्कि परमेश्वर का फेथ कम मेरे अंदर था और शैतान का ज्यादा था। सुनो, क्योंकि जो इन्होंने 3.5 साल में अदर चर्च में जाकर सीखा, कहते हैं कि ये मुझे बस यही सिखाया गया, शैतान वो कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, मतलब ये नहीं सिखाया गया कि वो कुछ नहीं, जैसे मैं अभी बोल रहा था ना कि शैतान कुछ नहीं है, बीमारी हालात कुछ नहीं, पकड़ने वाला बंदा चाहिए, जैसे इसने पकड़ लिया। और ये फिरोजपुर से आया है, कितनी दूर से, हाँ बोलो, ये फिरोजपुर से आया है क्योंकि इसकी जिंदगी में परमेश्वर ने काम किया। हाँ, और ये आज पहली बार यहाँ पे, इसने पहली बार मुझे देखा है, नहीं तो ये फोन से ही वीडियो को देखता था, कैसे फोन पर ही, और इसने फोन पर ही उन बातों को समझ लिया, सीख लिया, पॉजिटिव प्रेयर, नेगेटिव प्रेयर, अनुग्रह का प्रबंध क्या है, परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ कर चुका है, और ये सुनकर ही इसको परमेश्वर ने क्या कर दिया, ये तो आज मेरे सामने खड़ा है ना, और इसकी जिंदगी में परमेश्वर ने कितना बड़ा काम कर दिया। हाँ, और मेरा विश्वास है आज मेरे को, क्योंकि मैं ऐसा इंसान था, मैं किसी पे जल्दी विश्वास नहीं करता था, पर जब मैं मिनिस्ट्री की जो टीचिंग सुनी है तो मैं बहुत कुछ सीखा है, और मैं दूसरे लोगों को भी बता रहा हूँ जो भी ऑनलाइन देख रहे हैं, जहाँ यहाँ पर मौजूद हैं, मैं उनको बताता हूँ, ये मिनिस्ट्री को छोड़ना मत, शक्ति मत देखो, पर यहाँ के जो वचन की पावर है वो देखो। शक्ति चाहे आप जितनी मर्जी प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि जब ताकत आपके पास है तो बुद्धि नहीं है तो वो शक्ति कुछ काम की नहीं है, इसलिए बुद्धि होना जरूरी है। समझ आ रही है? अभी समझ आ रही है सबको? समझ आ रही है? लोग, कुछ लोग जैसे किसी के चमत्कार को देखते कि वहां पे काम हो गया, हाँ, तो वहां पे भाग जाते। चमत्कार आपके अंदर है, तब होगा जब उसकी सच्चाई, उसका वचन आपके अंदर है। समझ आ रही है? आ रही है समझ? जैसे इसकी जिंदगी में जब सच्चाई, पूर्ण सच्चाई और उसका वर्ड, उसके वचन की सच्चाई इसके अंदर आई, और इसे पता चला कि मैं, क्योंकि इसे सिखाया जा रहा था शैतान वो कर देगा, ये कर देगा, और हम इस मिनिस्ट्री की टीचिंग है जो मैं कहता हूं शैतान कुछ नहीं है, मक्खी मच्छर है उससे डर लगता है, वो है कुछ, शैतान उससे भी नीचे है। हाँ, शैतान उससे भी क्या है? नीचे है, नीचे। इसलिए जोर से, जोर से, हालेलुया, जोर से, जोर से, हालेलुया, धन्यवाद करके, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जो हमारे लिए सब कुछ पूरा कर चुका है। आमेन, आमेन।